यदि आप किसी बात को रहस्य रखना चाहते हैं तो आपको इसे अपने आप से भी छिपाना होगा। लेखक जॉर्ज ऑरवेल की इन पंक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने आज पेगासस जासूसी कांड को लेकर अपने फैसले की शुरुआत की। कोर्ट ने अपने फैसले में पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए अपनी ही निगरानी में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया। कोर्ट ने मोदी सरकार की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया जिसमें सरकार ने अपना एक्सपर्ट पैनल बनाने की मांग रखी थी। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को हर बार छूट नहीं दी जा सकती। सरकार सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते रहे और अदालत मूक दर्शक बनी रहे, ये नहीं हो सकता। अदालत ने यह टिप्पणी इसलिए भी की क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बार बार पूछे जाने के बाद भी पेगासस मुद्दे से जुड़ी जानकारी कोर्ट को उपलब्ध नहीं करवाई थी। सरकार इसके लिए हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील देती ही नजर आती दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश के हर नागरिक की निजता की रक्षा होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्र ने जो सीमित एफिडेविट जमा किया है वह अस्पष्ट है और पर्याप्त नहीं है। हमने सरकार को डिटेल साझा करने का पूरा मौका दिया लेकिन बार बार कहने के बावजूद उन्होंने एफिडेविट में स्थिति साफ नहीं की। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार स्पष्ट कर देती तो अदालत पर बोझ कम हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्राइवेसी सिर्फ पत्रकारों और पॉलिटिशियंस का ही मुद्दा नहीं है बल्कि हर व्यक्ति के अधिकार की बात है। बाकी देशों में इन आरोपों और जासूसी में विदेशी पार्टियों के शामिल होने की बात को गंभीरता से लिया गया है। अदालत ने जांच के लिए जिस एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है वह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आरवी रविंद्रन की अध्यक्षता में काम करेगी। यह कमेटी पेगासस से जुड़े आरोपों की जांच कर 8 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी से निगरानी के मौजूदा कानून और प्रक्रियाओं या उनके संशोधन के संबंध में और निजता के अधिकार के साथ ही साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भी सिफारिशें मांगी है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई इस 3 सदस्यीय जांच कमेटी में पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन सब कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर संदीप ओबेरॉय भी शामिल है। पेगासस मामले में कई पत्रकारों और एक्टिविस्ट ने कोर्ट में अर्जियां दायर की थी। इनकी मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच करवाई जाए। खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय समूह का दावा है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस से 10 देशों में 50,000 लोगों की जासूसी हुई। भारत में भी ऐसे 300 नाम सामने आए हैं जिनमें कई पत्रकार, डॉक्टर, वकील, एक्टिविस्ट, मंत्रियों और विपक्षी दलों के नेताओं के नाम शामिल हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।